तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल एंड थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी एंड शावरिंग सो 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 पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज ऑन ऑल ऑफ माई वीडियोज। एंड टूडेज वीडियो वी आर टेकिंग इट अ बिट शॉर्ट। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे चीन और रशिया के बारे में। और हमने पिछले वीडियो में कुछ हमारा अधूरा छोड़ दिया था, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में वीर सावरकर जी की बात की थी। हमने कोरोना वायरस के जो मूल ओरिजिन की बात की थी और यूनान प्रांत से कैसे कोरोना वायरस आया है, हमने उसकी बात की थी। और कैसे कोरोना के कोविड 19 और RATG-13 का क्या कनेक्शन है, वो हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात की थी। आप चाहे तो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है परी टॉक्स टू देश की जनता, जो बहुत ही न्यूली क्रिएटेड चैनल है। और आप परी देश की जनता लिखेंगे तो भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक वीक पुराना चैनल है और मेरे ख्याल से एक वीक हो चुका है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार आप विश्लेषणपूर्ण जानकारियां देखते रहें। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग के इतने ज़्यादा शेयर्स और इतने सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्सेज नहीं है। जो लोग नेगेटिव थे उनको मैंने पहले समझा दिया है कि नेगेटिविटी तो चलेगी यहाँ पर और जम के चलेगी। और नेगेटिविटी अगर होगी तभी जाके जानकारियों के दोनों एस्पेक्ट मैं आपको बता सकती हूँ, क्या पॉजिटिविटी और क्या नेगेटिविटी है। तो पहले पॉजिटिविटी को समझने के लिए, पॉजिटिव विचारों को रखने के लिए नेगेटिविटी से दूर रहना ज़रूरी है। और नेगेटिविटी को समझाना ही मेरा काम है, जो मैं कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि कैसे रशिया के पीछे जो है हाथ धोकर चीन पड़ गया है। तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों रशिया के पीछे हाथ धोकर चीन पड़ गया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीर सावरकर जी को जो अवार्ड भारत सरकार देने वाली है, जो बीजेपी सरकार खासतौर पर देने वाली है, वो हिंदुत्व के चक्कर में देने वाली है। क्योंकि बीजेपी सरकार भी हिंदुत्व की प्रचारक है और वीर सावरकर जो हिंदुत्व के फादर कहे जाते हैं, इसलिए शायद ये बीजेपी सरकार भूल गई है कि जो आरएसएस को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाला बंदा था वो वीर सावरकर ही था। और विनायक दामोदर सावरकर जो थे उन्होंने जो है अपना खुद का ही नाम वीर रख दिया अपनी खुद की किताब में, ऐसा रविकांत दास का कहना है जो उनकी किताब के प्रचारक थे। तो चीज़ें सामने आ रही है कि जो इतना बड़ा हमारे यहाँ का बेस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो सी वी रमन को मिला है, जो राधा कृष्णन को मिला है, जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी को मिला है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला है, जो अमर्त्य सेन जैसे इतने बड़े इकोनॉमिस्ट को मिला हुआ है, अम्बेडकर जी को मिला है इतने बड़े संविधान की संरचना करने के लिए, तो ये वीर सावरकर जैसे इंसान को कैसे मिल सकता है। जो गांधी जी का मजाक उड़ाया करते थे, गांधी जी जो हमारे फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं, उनका मजाक उड़ाने वाले वीर सावरकर को किसी भी हिसाब से भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए। मेरे पुराने वीडियो को देखिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो ये आप लोगों की जो है कोशिश रहेगी मुझसे कनेक्ट होने की, जो मुझे कमेंट करना चाहते हैं, जो कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, जरूर क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। मैं लाइव आने की कोशिश करती हूँ, हर अल्टरनेट डेज में लाइव आती हूँ और लाइव में मैं वन ऑन वन इंट्रैक्शंस भी करती हूँ, सारे सवालों के जवाब भी देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने विचारों को आप तक पहुँचा पा रही हूँ और मैं इस काबिल अपने आप को समझती हूँ। दैट आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई कैन एबल टू गिव द आंसर्स, ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस बिनाज बाय ऑल ऑफ यू पीपल आउट देयर। सो कहने का मतलब यह है कि जब वीर सावरकर जी गांधी जी का मजाक उड़ाया करते थे, वेजिटेरियन गांधी जी के होने पे मजाक उड़ाया करते थे, और एक बार गांधी जी से उनकी बहस भी हो गई थी क्योंकि गांधी जी ने जो है एक तरह से नॉनवेज खाने से मना कर दिया था और वो गांधी जी को कुछ विदेशी नॉनवेज खिलाने पर इंसिस्ट किया करते थे जब उन्होंने गांधी जी को खाने पर बुलाया। तो गांधी जी को, और उनका ये भी कहना था कि गाय की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि गाय एक उपयोग की वस्तु है, उपयोगी जानवर है। तो ये भी हिंदुत्व के लिए करारा तमाचा है, जो 33 कोटि देवी देवता जो हम गाय के अंदर मानते हैं, तो हम लोगों के लिए इस तरह से है। लेकिन इस तरह से सेल्फ इमेज क्रिएट करने वाले, खुद की फ़ायदे के लिए हर तरीके के इमेज क्रिएट करने वाले और हमेशा हर माहौल में एडजस्ट कर लेने वाले अपने फ़ायदे के लिए इंसान को किसी भी तरीके से भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे, ये कोई बुनियाद नहीं बनती उनको भारत रत्न देने की। जिसमें सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेटर को भारत रत्न दिया जाता है, जिसमें इतने महान जो हमारे महापुरुष रहे हैं एक से बढ़कर एक, जो जिनको भारत रत्न मिला है, राजीव गांधी जी है, जिसमें
अटल बिहारी वाजपेयी जी है, इस तरह का भारत रत्न जैसा बेस्ट सिविलियन अवार्ड तो कम से कम वीर सावरकर जी डिजर्व नहीं करते हैं, जिन्होंने बीफ खाने को इंसिस्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनके हिंदू कार्यकर्ता या कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता या आरएसएस की बात कर रहे होंगे, पता नहीं कौन सी पार्टी की बात कर रहे थे, हिंदुत्व के जो है फादर थे या हिंदू महासभा के फादर थे, तो शायद हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं की बात कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान महिलाओं का ये लोग रेप कर देते तो काम के वश में आके रेप नहीं करते, बल्कि ये लोग जो है वो इनके धार्मिक मूल्यों की वजह से ये लोग रेप करते हैं। तो जो मतलब एक महिला का रेप करना जो है धर्म से कनेक्ट करता है, धार्मिक मूल्यों से और नैतिकता से कनेक्ट करता हो, ऐसे इंसान को तो बिल्कुल भी भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, जो अपने आप को ही अपनी किताबों में भी लिख देता है और जो बीफ खाने पर इंसिस्ट करता है। तो इस तरह के ठीक है, वो उनकी अपनी निजी लाइफ है, लेकिन अगर एक बेस्ट सिविलियन की लाइफ की बात करेंगे तो उनको कहीं से कहीं तक जो है भारत रत्न देने की ज़रूरत नहीं लगती है। और बीजेपी सरकार को हिंदुत्व के जो ढकोंसले हैं बंद कर देनी चाहिए। और एक और खबर सामने आ रही है कि 7 सितंबर के बाद से जो है मेट्रो ट्रेन शुरू हो जाएगी, तो मेट्रो ट्रेन खुल जाने की वजह से जो है काफ़ी इकोनॉमी को चलने में और एक मध्यम वर्ग के परिवार को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, सबको ही बहुत मदद मिलेगी, रोज़गार मिलेगा और दोबारा से लोग अपने कामों पर रिज्यूम कर सकते हैं। ये अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि जिस तरह से मेट्रोज बंद हो गई थी, दिल्ली की तो एक तरह से अर्थव्यवस्था ही मेट्रो से चलती है, तो जब मेट्रो ही बंद हो जाएगी तो डेफिनेटली अर्थव्यवस्था का चक्का तो जाम हो गई होगा। तो 7 सितंबर से सुनने में आ रहा है कि मेट्रो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग चीन की और रशिया की बात करते हैं कि रशिया जो है एक सबसे नॉर्दर्न, सबसे ज़्यादा नक्शे में ऊपर आप देखेंगे ऊपर की तरफ रशिया है, और इस वजह से रशिया के जो बहुत सारे पोर्ट है वो हमेशा बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, हमेशा बर्फ़ जमी हुई रहती है। और जो रशिया है उसका जो है बहुत सारे देश जो उसके वेस्टर्न इस तरफ के, मतलब जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ जो देश आएंगे नक्शे में, हम जब इस तरफ से देख के खड़े रहेंगे, उल्टे हाथ की तरफ जो देश आएंगे, बहुत सारे देशों से रशिया की जमती नहीं है। और जो राइट हैंड साइड पे हम देखेंगे ईस्टर्न जोन में चाइना आता है, और चाइना जो है काफ़ी हद तक जो है रशिया को परेशान करने में लगा हुआ। क्यों परेशान करने में लगा? क्योंकि रशिया ने 38,900 करोड़ के जो डिफेंस का सामान भारत को देने के लिए हामी भर दी है, इसलिए चीन बुरी तरह से रशिया के पीछे लगा हुआ है कि रशिया ने 38,000 करोड़ या 39,000 करोड़ का जो पूरा एक एस्टीमेट, हम रफ एस्टीमेट लेके जो एक सैन्य हथियार, जो डिफेंस गुड्स जो भारत को देने का वादा क्यों किया है, डिफेंस मिसाइल्स भारत को देने का वादा क्यों किया, इसलिए जो है चीन बुरी तरह से रशिया के पीछे पड़ गया है। और जो रशिया है, रशिया का काम है सप्लाई करना, रशिया तो करेगा ही, मगर चीन जो इस बार बहुत बुरी तरह से रशिया को धमका रहा है, जिसमें हम लोग मिग 29 की 59 मिसाइल्स हम लोग ले रहे हैं, और सुखोई 30 MKI की 12 मिसाइल्स हम लोग ले रहे हैं जो हमारे पास पहले से भी थी। हम लोग इन मिसाइल्स को इसीलिए रशिया से ले रहे हैं क्योंकि ये मिसाइल्स जो है हमने पहले भी हमारे पास में रह चुकी है और हमारे पायलट जो है इस पर बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो कोई भी जो हथियार होता है उसका अगर यूज़ करने का तरीका पता हो तभी वो हथियार काम का होता है, और इस मामले में जो है सुखोई 30 MKI जो है हमारे पास में पहले से होने की वजह से हमारे पायलट, काफ़ी सारे पायलट बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड हो चुके हैं, इसलिए हम सुखोई को दोबारा से रशिया से ले रहे हैं। उसके बाद में हम लोग जो है मिग 29 के भी 59 पीसेस जो है 59 मिसाइल्स जो है हम लोग रशिया से ले रहे हैं, जिसकी वजह से चीन जो है एक आक्रामक रूप जो है रशिया पे बनाए रख रहा है। हम देखेंगे तो चीन की लगभग सभी देशों से अनबन चल रही है, सभी देशों से प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि चीन एक बिगड़े हुए शहजादे की तरह बन चुका है, और चीन जो है लगातार जो है जो तजाकिस्तान, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार से भी अभी थोड़ी बहुत उसकी झिकझिक चालू हो गई है और मतलब एक तरह से कोल्ड वॉर कह सकते हैं हम उसको, झिकझिक चिकचिक ना कह के तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये कहा कि आपस में तनातनी का और कुछ मुद्दों पे असहमति के इनके मामले चल रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि
जापान से भी इसी तरह से चीन की जो है हुज्जत चलती रहती है किसी ना किसी मामले पे, किसी ना किसी पोर्ट को लेकर। उसके बाद में अमेरिका से चीन भिड़ चुका है कोरोना के मामले में। आपको पता है कि ट्रम्प साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव रुख जो उन्होंने चाइना की तरफ बनाया हुआ, क्योंकि उनके खुद के भाई जो है रॉबर्ट ट्रम्प का निधन हो गया है कोरोना की वजह से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ों में चाइना जो है अमेरिका को चैलेंज करते रहता है, इसलिए अमेरिका बहुत ज़्यादा चीन से चिढ़ा हुआ रहता है। हम ये भी देखेंगे कि जो फिलीपींस है, छोटे छोटे देश है फिलीपींस है, और हम देखेंगे ताइवान है, तजाकिस्तान है, और रशिया है, सभी देशों से ऑलमोस्ट चाइना की अनबन चल रही है। और चाइना जो है किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, चाइना अपनी अपनी बात सुनता है, चाइना को किसी से कोई मतलब नहीं होता, चाइना चाइना किसी से बैठ के बात करने की कोशिश में नहीं रहता है। चाइना हमेशा अपना पॉइंट जो है दूसरे को बताता है और अपना ही पॉइंट मनवाने की कोशिश करता रहता है, चाहे वो पॉइंट सही हो या गलत, और किसी और देश की जो है मदद लेने को या किसी और देश के बीच में इन्वॉल्वमेंट को भी चाइना काफ़ी हद तक जो है तवज्जो नहीं देता है। इसलिए चाइना की जो है वन ऑन वन की वजह से बहुत सारे देशों से जो भी उसके वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट वे देश रहे हैं उन सब से जो है चाइना की ऑलमोस्ट जो है तनातनी का माहौल है। और मेरे ख्याल से इक्के दुक्के गिने चुने देश अभी रह गए हैं, जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है या भूटान है, यही कुछ एक दो देश रह गए चाइना के पास में। हांगकांग है जो चाइना को थोड़ा बहुत किसी हद पे सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज चाइना को सपोर्ट करने वाला अभी कोई नहीं, चाइना बिल्कुल अकेला पड़ गया है। हालांकि चाइना ने सब जगह उपनिवेश, सभी देशों को, छोटे मोटे देशों को अपना उपनिवेश बना रखा है, लेकिन फिर भी समय आने पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाइना के साथ में खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह से चाइना का व्यवहार है, जिस तरह से चाइना का रवैया है, जिस तरह की चाइना की सोच है, जिस तरह से चाइना का ठगी नेचर है एक तरह से, और जिस तरह से चाइना जो है पंगे लेता रहता है, तो कोई भी देश चाइना के साथ में रहने को या चाइना से पैसों के अलावा किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने को, किसी भी तरह की पॉलिसीज लेने को या पॉलिसी चाइना के साथ मिलकर बनाने में इंटरेस्टेड कोई भी देश शायद नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आज रशिया के बारे में पूरी बात हम जान लें। रशिया के बारे में बता दें तो रशिया के पास में एक ईस्टर्न जोन पे जो एक बहुत काम का पोर्ट है, और उस पे चाइना ने अपना दावा कर दिया। चाइना के जो आधिकारिक और सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसके हिसाब से 1866 में जो चाइना ने वन साइडेड ट्रीटी कर ली, और वो जो पोर्ट है जिसका नाम बाल्टिक ओस्तक है, बाल्टिक ओस्तक जो चाइना ने अपना बता दिया उस ट्रीटी के, सॉरी रशिया ने अपना बता दिया बाल्टिक ओस्तक को, रशिया ने अपना बता दिया 1866 में। तो बाल्टिक ओस्तक जो पोर्ट है वो बहुत ही काम का पोर्ट है, क्योंकि वो जो है वो ईस्टर्न साइड पे होने की वजह से वो जो बिल्कुल नॉर्थन साइड पे नहीं है, और वो जमता भी नहीं है, और उससे चाइना, वो जो रशिया है वो काफ़ी सारे काम करता है, बहुत सारे देशों से जो कारोबार है, पूरी दुनिया से कारोबार लगभग बाल्टिक ओस्तक जो पोर्ट है वहाँ से रशिया करता है। और बाल्टिक ओस्तक की जो इम्पोर्टेंस है वो चाइना को बहुत अच्छी तरह से पता है, चाइना बहुत स्मार्ट है, इसलिए चाइना ने डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने बूझे जो है बाल्टिक ओस्तक पे अपना कब्जा बताने की बात कर दी। उसने बताया है कि बाल्टिक ओस्तक जो है उसका हिस्सा रह चुका है, और क्योंकि रशिया ने 1860 में वन साइडेड ट्रीटी की थी, तो इसीलिए हम ये मानने को तैयार नहीं है कि बाल्टिक ओस्तक जो है वो रशिया का पोर्ट है या रशिया का शहर है, बाल्टिक ओस्तक तो चाइना का ही शहर है, ऐसा चाइनीज सरकारी अखबार की खबर है। और विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि ये खबर जो है काफ़ी हद तक सही नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा की पूरा बाल्टिक ओस्तक है ये साउथ अमेरिका से रशिया को जुड़ने में मदद करता है, और रशिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करता है, और एक ट्रांस साइबेरियन रोड बना दी है जो बाल्टिक ओस्तक को बाकी सारे जितने भी देश है वेस्टर्न जोन पे या नॉर्दर्न जोन पे सभी सभी देशों से वो जुड़ा के रखता है, और सारे ही देश जो है ट्रांस साइबेरियन रोड के थ्रू अपना जो माल जो है इस पोर्ट पे पहुंचाते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा
रशिया को मदद मिलती बाल्टिकोस्तक पोर्ट से। और मैंने ये भी बताया कि रशिया के जो दूसरे पोर्ट है जो नॉर्दर्न रीजन में है, जिस पे चाइना अधिकार नहीं जमा सकता क्योंकि वो रशिया के खुद के हैं और वो ईस्टर्न जोन में नहीं है, तो उस पे वो जो रशिया है वो ज़्यादा ट्रेड इसीलिए नहीं कर सकता पूरी दुनिया से, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन में होने की वजह से रशिया के वो सारे पोर्ट जो है वो मतलब साल में करीब करीब 8 महीने जो है पूरी तरह से जो बर्फबारी से ढके हुए रहते हैं और पूरी बर्फ जम जाती है, जहाँ पर शिप्स का आना पॉसिबल नहीं है और ट्रेड किसी तरह का पॉसिबल नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि बाल्टिकोस्तक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, और चाइना अगर उस पर दावा ठोक देगा तो रशिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने वेस्टर्न जोन पे सभी देशों से प्रॉब्लम में है, चाइना जो है ईस्टर्न जोन पे वो नहीं चाहता कि वो चाइना से किसी भी तरह की दुश्मनी रखें। उसके बाद में हम देखेंगे कि रशिया की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, जो है वो भी बूढ़े हो चुके हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम है रशिया की, और ये जो ट्रांस साइबेरियन रोड है उसके आसपास को जो साइबेरियन इलाका है रशिया का वो पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, इसीलिए भी वो बाल्टिकोस्तक जो मैंने आपको पोर्ट बताया बाल्टिकोस्तक का चाइना के पास में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना की नज़र जो है चाइना की बुरी नज़र जो है वो रशिया के साइबेरियन इलाके पर पड़ चुकी है, और चाइना की गलत नज़र की वजह से चाइना चाहता है कि वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज चाइना के पास आ जाए। चाइना के पास में मैन पावर भी है, पॉपुलेशन भी है, ट्रिक्स भी है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज भी है और मशीनरीज भी है, सब कुछ है चाइना के पास में। चाइना इस पोर्ट का और इस साइबेरियन इलाके का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है ऐसा चाइना को लगता है, जो रशिया किसी हिसाब से नहीं कर पा रहा है, किसी परिस्थिति के चलते नहीं कर पा रहा है। लेकिन रशिया किसी भी हिसाब से बाल्टिकोस्तक को चाइना को देने के लिए तैयार नहीं है। अगर चाइना जो है दबाव बनाता है तो रशिया डेफिनेटली जो है हमें सुकोई 30 MKI की जो हमने 12 डिमांड्स की है और जो हमने डिमांड्स की है MiG-29 की वो हमें देने से मना कर सकता है, और जिसमें हमारे पायलट्स की प्रैक्टिस है, लेकिन उसका हम लोगों ने भी सोल्यूशन ढूंढ के रखा है कि अगर रशिया ऐसा करता है चाइना के प्रेशर में आ जाता है या चाइना से लड़ाई को अवॉइड करता है और अपने बाल्टिकोस्तक को चाइना को देने से मना करता है या अपने पोर्ट को अपने ही पास रखना चाहता है तो वो शायद चीन से पंगा नहीं लेगा और वो शायद भारत को हथियार सप्लाई करने के लिए मना कर देगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हमारे पास में अमेरिका के F-35 विमान जो है वो अमेरिका देने को तैयार है, और ये इसका दावा भी अमेरिका ने कर दिया है कि वो किसी भी कंडीशन में इंडिया को F-35 विमान देने को तैयार है जो अमेरिका में ही बनते हैं। उसके बाद में फ्रांस भी अमेरिका को रफेल दे फ्रांस भी जो है इंडिया को रफेल दे चुका है, तो और भी रफेल देने वाला है, तो 36 रफेल जो है वो हमारे आने वाले हैं, 5 तो आ गए हैं। तो और ट्रांस साइबेरियन पाइपलाइन जो है वो उसमें भी चीन जो है रशिया का पार्टनर बना हुआ है, तो ट्रांस साइबेरियन पाइपलाइन की वजह से जो है रशिया को भी बहुत फ़ायदा है, तो वो नहीं चाहेगा कि वो अपने बिजनेस पार्टनर से पंगा ले, तो रशिया शायद प्रेशर में आ जाएगा। अभी वो तो वक्त ही बताएगा कि रशिया प्रेशर में आ रहा है नहीं आ रहा है, चीन से कितने हद तक डर रहा है, कितना चीन ने उसको धमकाया है, और आगे का हम लोगों को क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, और जो ये ट्रांस साइबेरियन रोड्स है और ये साइबेरिया का जो इतना नेचुरल रिसोर्सेज से नेचुरल गैसेस से नेचुरल ऑयल से भरा हुआ जो एरिया है वो रशिया का हमारे लिए जो है परेशानी का सबब बन सकता है। बाल्टिकोस्तक जो रशिया का इतना इम्पॉर्टेंट और हमेशा काम में आने वाला पोर्ट है और इतना बड़ा पोर्ट है वो हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। रशिया का सुकोई 30 और MiG-29 ना पहुंचाना हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है, तो हमारी परेशानियां हैं क्योंकि हमारे पायलट उसमें ट्रेंड है, हमारे पायलट जो है अच्छी तरह प्रैक्टिस्ड है, क्योंकि हमारे पास में काफ़ी समय से युद्ध भूमि में ये दो लड़ाकू विमान है सुकोई 30 एंड MiG-29, तो उनकी जो हमने अपग्रेडेड वर्जन उनके मंगाए हैं या सुकोई 30 MKI को हमने अपग्रेड करके मंगाना है, वो भी शायद रशिया को करने में दिक्कत होगी, तो ऐसे में हमें किसी और हथियारों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा जो हमारे लिए परेशानी का सबब हो सकता है।